बीजेपी को मंजूर नहीं है शिवसेना का नया प्रस्ताव, बताया व्यवहारिक। महाराष्ट्र बीजेपी ने फैसला केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ा। दिल्ली में हो रही है बैठक, मोदी भी पहुंचे। बीजेपी के महाराष्ट्र कोर कमेटी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दिया सुझाव, कहा सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर अकेले लड़े चुनाव। शिवसेना के नए प्रस्ताव में बीजेपी को 119, शिवसेना को 151 और अन्य के लिए 18 सीटों का जिक्र। प्रस्ताव को बताया अंतिम, मातोश्री में बैठक जारी। बीजेपी ने कहा गठबंधन में कोई प्रस्ताव अंतिम नहीं होता। 25 सालों से बीजेपी कर रही त्याग, इस बार शिवसेना की बारी। बीजेपी चाहती है 130 सीटें। विनोद तावड़े ने कहा पहले 135 का भेजा था प्रस्ताव, बाद में 5 सीटें घटाई। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी शिवसेना को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, पीएम मोदी को याद दिलाई मदद। बोले संकट के वक्त बाल ठाकरे ने दिया था साथ। बीजेपी ने कहा जीत का प्रतिशत बेहतर होते हुए भी हमेशा बीजेपी को करना पड़ा त्याग। जावड़ेकर की सिटिंग भी अठावले को देनी पड़ी। बीजेपी पिछली बार 60% सीटें जीती, शिवसेना 40%, 59 सीटों पर। पिछले 5 चुनाव से शिवसेना की हो रही है करारी हार, 25 सीटों पर बीजेपी की हुई दुर्गति। बीजेपी ने कहा लगातार हारने वाली सीटों पर समीक्षा जरूरी। सीएम उम्मीदवारी पर बोली बीजेपी, 89 में हो चुका है तय, जिसके विधायक ज्यादा उसका होगा मुख्यमंत्री। जब 89 के बाद में जब हमारे असेंबली में इलेक्शन हुआ, ज्यादा सीटें शिवसेना के, वो तो अपोजिशन लीडर बना। 95 में शिवसेना के ज्यादा सीटें आए, वो मुख्यमंत्री बने। अभी हमारी ज्यादा सीटें आई, हम लोग अपोजिशन लीडर में चले गए। स्वाभिमान शेतकारी संगठन और आरएसपी ने दी धमकी, कहा बीजेपी शिवसेना जल्द करे सीटों पर फैसला, नहीं तो विकल्प पर करेंगे विचार। दोनों संगठनों ने दोहराया वो चाहते हैं बीजेपी शिवसेना से गठबंधन, लेकिन वक्त है बेहद कम, कल तक हो फैसला। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आते ही उठे विरोध के स्वर, प्रवेश मेहता ने बीजेपी छोड़ने का किया ऐलान। प्रवेश मेहता ने फरीदाबाद सीट से लड़ा था पिछला विधानसभा चुनाव, बोले 29 साल सेवा की, ऐसे नतीजे उम्मीद नहीं थी। टिकट नहीं मिलने से नाराज प्रवेश समर्थकों ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का पुतला फूंका, टिकट बेचने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने कहा 125 सीट दे सकते हैं वरना अकेले लड़ने को भी तैयार। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने कहा 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस, बोले अगला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस नेता माणिक राव ठाकरे ने कहा स्क्रीन कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के बाकी नामों पर होगी चर्चा, सीटों पर 2004 जैसी स्थिति का दिया हवाला। कांग्रेस ने साफ कहा हम एनसीपी को 124 सीट से एक सीट बढ़ाकर 125 सीट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस ने कहा अगर एनसीपी को हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने कहा 125 सीट दे सकते हैं वरना अकेले लड़ने को भी तैयार। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने कहा 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कांग्रेस, बोले अगला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस नेता माणिक राव ठाकरे ने कहा स्क्रीन कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के बाकी नामों पर होगी चर्चा, सीटों पर 2004 जैसी स्थिति का दिया हवाला। कांग्रेस ने साफ कहा हम एनसीपी को 124 सीट से एक सीट बढ़ाकर 125 सीट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस ने कहा अगर एनसीपी को हमारा प्रस्ताव मंजूर नहीं तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। विनोद कुमार बिन्नी के खिलाफ सड़क पर उतरी आम आदमी पार्टी के महिला विंग, बिन्नी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिन्नी पर आप नेता अलका लामा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप, फेसबुक अकाउंट पर लिखी अलका के खिलाफ अभद्र टिप्पणी। बिन्नी ने आरोपों का किया खंडन, कहा मेरे नाम से किसी ने बना रखा है फर्जी फेसबुक अकाउंट। बिन्नी ने कहा पुलिस को पहले ही दे चुका हूं
फेक अकाउंट की जानकारी, पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। हाँ, मेरा एक अपना एक फेसबुक अकाउंट है जिसपे मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं उसे चला ही नहीं पाता हूँ। कभी महीने दो महीने में चाक कभी गुड मॉर्निंग बोल दिया उसका। हाँ, एक्टिव है वो मेरा। हाँ, मैंने उसको एक्टिव है और मैं उसको बहुत मुश्किल से कभी दो महीने में चार महीने में एक बार देख पाता हूँ। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं सब बैठा। आप नेताल का लांबा ने कहा, बिन्नी के खिलाफ है पुख्ता सबूत, केस दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। और मैंने कोटला मुबारकपुर पुलिस स्टेशन जो है मेरे घर से लगा हुआ है, वहां पर मैंने जाके SHO नागिन कौशिक जी के सामने अपनी शिकायत दर्ज कर दी है, जिसे उन्होंने रिसीव करके कॉपी मुझे दे दिया है। आगे क्या कार्रवाई हुई है नहीं हुई, मुझे इसकी कतई भी जानकारी नहीं। अलकलामा ने बिन्नी को दी चुनौती, कहा मेरे खिलाफ कर रहे हैं दुष्प्रचार, अगर सबूत है तो सामने आए। दिल्ली के भलसवा इलाके में दो पालतू कुत्तों के बेरहमी से हत्या, इलाके के लोगों ने चोरों पर लगाया आरोप। लोगों का कहना है कि कुत्तों के रहते चोरी में नाकाम रहते थे चोर, पत्थर मार मार कर की हत्या, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। दिल्ली के विधायकों ने विधायक निधि के पैसे से विकास पर दिखाई बेरुखी, 70 विधायकों में से किसी ने विधायक निधि का नहीं किया इस्तेमाल। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद ने दिया अजीबोगरीब तर्क, कहा 4 करोड़ के फंड में से 1 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड को चला जाता है, 3 करोड़ में क्या विकास होगा। बीजेपी विधायक साहब सिंह चौहान बोले, फंड के गलत इस्तेमाल की बात झूठी, विधायकों को मनमर्जी से विधायक निधि के इस्तेमाल का अधिकार नहीं। विधायक निधि के खर्च पर बोले बीजेपी विधायक रामवीर सिंह विदूड़ी, कहा बहुत कम है विधायक निधि। सामूहिक विकास पर विधायक निधि खर्च नहीं करने के सवाल पर बोले विदूड़ी, कहा बहुत से काम करने होते हैं। केजरीवाल ने गिनाई MCD की खामी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बोला खबरों में बने रहने के लिए केजरीवाल लगाते हैं आरोप। मुझे लगता है ना कि जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की जो पहचान बन गई है वो सिर्फ आरोप लगाओ और न्यूसेंस पैदा करो। RJD सांसद पप्पू यादव ने कहा नीतीश की कुर्सी छोड़ने से बेलगाम हुए अधिकारी। पप्पू यादव बोले जीतनराम मांझी ईमानदार व्यक्ति, लेकिन भले और ईमानदार को इस वक्त समझा जाता है नाकारा। एकदम भला आदमी है, ईमानदार है, भला आदमी है, और भला आदमी को ही आजकल देश में नकारा कहा जाता है। डॉक्टरों के खिलाफ जन अदालत लगाएंगे पप्पू यादव, 90% डॉक्टरों को बताया नर पिशाच, कहा गरीबों का चूसते हैं खून। 13 अक्टूबर से सहरसा के पटेल मैदान में लगेगी पप्पू यादव की जन अदालत। दिल्ली के कनॉट प्लेस में राहगीरी में लोगों ने जमकर बहाया पसीना, लोगों को जीने का अंदाज सिखाने की कोशिश, गुड़गांव से शुरू हुई थी राहगीरी यात्रा। MP में विदेशी निवेशकों को रिझाने में जुटे CM शिवराज सिंह ने PM मोदी के जमकर की तारीफ, कहा UPA के वक्त पॉलिसी पैरालिसिस थी, अब उत्साह और विश्वास का माहौल। एक नया वातावरण बना है नई सरकार बनने के साथ ही दिल्ली में, क्योंकि पुरानी UPA की सरकार में तो पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति थी, लेकिन अब पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में जैसा केंद्र सरकार काम कर रही है उत्साह और विश्वास से भरा है। शिवराज सिंह ने कहा केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख से इस बार निवेशकों में दिख रहा है ज्यादा उत्साह। वाराणसी में PPP मुखिया बिलावल भुट्टो के बयान पर प्रदर्शन, बिलावल ने कल कश्मीर को लेकर उगला था जहर। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता ने वरुण गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा, मेनका पर भी जमकर साधा निशाना। बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता ने कहा मां बेटे खुद ही एक दूसरे को UP में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नेहरू और
गांधी परिवार से बहुत दिनों के बाद तो पीछा छूट रहा है यार, और अभी फिर वही पीछे, चलो अब मैं पीछे लिवा लीजिए, तो माँ बेटा आपस में बात कर रहे हैं। बहराइच में सिपाही को पीटने के मामले में जेल की सजा काट कर आए एसपी के पूर्व विधायक दिलीप कुमार वर्मा का बयान, जेल से ही एसपी प्रत्याशी को जिताने में मदद की थी। सभी अधिकारियों ने कहा कि दिलीप वर्मा इतनी मदद करो कि समाजवादी पार्टी जीत जाए, डीएम ने भी कहा, चुका है, एसपी ने भी कहा, एडिशन ने भी कहा, हमारे पास कैसी है, कैसे आप कहोगे तो उपलब्ध करा देंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, बंगाल भवन में जंतर मंतर तक निकाला मार्च। छात्रों की मांग, 28 अगस्त को कैंपस में एक छात्रा से हुए यौन उत्पीड़न को हो निष्पक्ष जांच, लाठीचार्ज की घटना को लेकर कुलपति को हटाया जाए। बैंगलोर में भी छात्रों का प्रदर्शन, कुलपति से की इस्तीफे की मांग। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा आरोपों पर नहीं उठाया उचित कदम। और उस एडमिनिस्ट्रेशन का और उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मुझे लगता है, और उन्हीं वीसी का नाम जो है बकायदा चल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन विफल हो रही है और एक गुंडा राज के माफिक यहाँ पर चल रहा है सारा मामला। गुजरात के नर्मदा में स्कूल जाने के लिए बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते थे नदी, खबर दिखाने के बाद मदद को आगे आए अमेरिकी एनआरआई। अमेरिकी एनआरआई वीरेंद्र भल्ला और उनकी पत्नी रत्ना ने बच्चों को दिलाई बोट, साइकिल, जूते, रेनकोट और लाइफ जैकेट भी लाए। राज्य सरकार ने अब पुल के लिए दिए 8 करोड़ रुपए। यूपी के औरैया में 18 साल की एक दलित लड़की को जिंदा जलाकर 4 दबंगों पर है आरोप। 80% जली लड़की को सैफई के पीजीआई में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान तोड़ा दम। लड़की ने चारों दबंगों पर लगाया था छेड़खानी का आरोप, पंचायत ने रफा दफा कराया था मामला। अपनी फिल्म बैंग बैंग के प्रमोशन में जुटे ऋतिक और कैटरीना, दोनों ने फैशन शो में रैंप पर किया वॉक। ऋतिक ने कैटरीना की जमकर की तारीफ, कहा कैटरीना को देखते हुए फिल्म में ज्यादा की मेहनत। दिल्ली में लॉन्च हुआ 19 लेखकों का लिखा बुक क्रॉनिकल्स ऑफ अर्बन नोमैड्स, सभी को पहली बार किताब लिखने का मिला मौका। रेडोमेनिया ने दिया था नए लेखकों को प्लेटफॉर्म, amazon.com के जरिए बाजार में धमाल मचा रही है किताब। बहुत बढ़िया है क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरीज का जो कलेक्शन है, विच इज आई थिंक लोग इसे पढ़ना चाहेंगे।